हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान फॉर यू। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक बार टेक न्यूज लेकर आया हूं और इस बार का टेक न्यूज बहुत सारी गर्मा गर्म खबरों से लैस है। तो दोस्तों, बिना देरी किए देखते हैं वीडियो और देखते हैं आज की टेक न्यूज। दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं रियलमी से। दोस्तों, हम सभी लोगों ने कोका कोला का नाम सुना है और उसे पिया भी है, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा था कि इसका एक स्मार्टफोन भी आ सकता है। जी हां दोस्तों, ऐसा ही कुछ सुनने को मिल रहा है, जहां एक लीक निकल के सामने आई है। रियलमी ने कोका कोला के साथ पार्टनरशिप किया है और यह स्मार्टफोन रियलमी 10 सीरीज का एक रीब्रांड हो सकता है, जो कि एक 4G स्मार्टफोन होगा। टिप्सर मुकुल शर्मा के द्वारा एक डिजाइन लीक किया गया है ट्विटर पर, जहां इसके बैक पैनल का डिजाइन शो किया गया है, जो कि रेड कलर का है। बाकी इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं उसकी डिटेलिंग अभी सामने नहीं आई है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं एयरटेल की। तो एयरटेल ने अपने दो नए प्लान 489 और 509 को लॉन्च कर दिया है, जिसमें 489 वाले प्लान में आपको 50 GB की डेटा मिलेगी, साथ ही अनलिमिटेड लोकल और STD वॉइस कॉलिंग और 100 SMS पर डे मिलेंगे, जिसकी वैलिडिटी 30 दिन की होगी। इसके साथ ही यूजर्स को एयरटेल थैंक्स का फ्री में एक्सेस मिलेगा। अब बात करते हैं 509 प्लान की। तो इसमें आपको 489 वाले प्लान के बेनिफिट्स के साथ साथ आपको 10 GB की एक्स्ट्रा डाटा मिलेगी, जो कि 60 GB की हो जाएगी, जिसको आप एक बार में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें भी यूजर्स को एयरटेल थैंक्स का फ्री एक्सेस मिलेगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं सैमसंग की। तो सैमसंग की मच अवेटेड S सीरीज S23, S23 प्लस और S23 अल्ट्रा, जिसको 1 फरवरी को रिवील किया जाएगा, इसकी इंडियन प्राइस निकलकर सामने आई है। एक टिप्सटर के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है कि S23 की प्राइस 79,999 रुपए, S23 प्लस की प्राइस 89,999 रुपए और S23 अल्ट्रा की प्राइस 114,999 रुपए हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला का बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन मोटो E13 इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो कि दोस्तों मोटोरोला का एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन होता है और यह आपको 10,000 के अंदर देखने को मिलती है। बात करें मोटो E13 की, तो इसमें आपको 6.5 इंच की एक IPS HD प्लस की स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें आपको यूनिशॉक T06 का प्रोसेसर मिलेगा, 2 GB की रैम और 64 GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा, 13 MP का रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और 10W का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। इसमें आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जिनको मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैन कर दिया था 2 साल के लिए। अब जब उनका 2 साल का बैन पूरा हो गया है, तो उनके अकाउंट को फिर से रिस्टोर करने की मेटा ने अनाउंस कर दिया है और यह काम आने वाले वीक में हो जाएगा। दोस्तों, अगली खबर आ रही है गूगल पिक्सल की तरफ से, जहां गूगल पिक्सल टैबलेट का इमेज लीक हो गया है। दोस्तों, ये लीक वगैरह जो भी होते हैं वो जानबूझ के कराए जाते हैं, ताकि लोगों का इन पर इंटरेस्ट बना रहे। खैर, बात करें इस टैबलेट की, तो यह केवल एक ही मॉडल में आएगा, 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज में। दोस्तों, इसका नाम टैंगोर प्रो हो सकता है, जिसमें टेंसर G2 का चिपसेट देखने को मिल सकता है, 2K डिस्प्ले होगा और बाकी इसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। दोस्तों, अगली खबर आ रही है टेक से जुड़े इम्प्लॉइज के लिए, जिसमें बुरी खबर निकल के सामने आ रही है और एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि पिछले साल 70,000 से अधिक लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है, चाहे वो अमेजन से हो, गूगल से हो या एप्पल से हो, बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है। दोस्तों, सबसे ज्यादा अमेजन से 18,000 लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है। वहीं गूगल अल्फाबेट, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट आदि कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों को जॉब से निकाला है। दोस्तों, इसकी वजह पैंडेमिक से खराब हुई हालात बताई जा रही है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं पोको की। पोको का X5 सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है और इसको BIS, NBTC और EEC के सर्टिफिकेशन पर देखा गया है। ये फोन होंगे पोको X5 5G और X5 Pro 5G। बात करें पोको X5 5G की, तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 6 GB की रैम, 120Hz का रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, 48+8+2 MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 16 MP का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें पोको X5 Pro 5G की, तो इसमें 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट देखने को मिलेगा, 6 GB की रैम होगी, 108+8+2 MP का ट्रिपल रियर कैमरा होगा, साथ ही 16 MP का फ्रंट कैमरा होगा, 5000 mAh की बैटरी होगी और 67W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की टेक न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज के फन फैक्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गूगल ने जो ट्विटर पर पहला ट्वीट किया वो बाइनरी फॉर्म में था, जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, तो उसका मतलब निकला आई एम फीलिंग लकी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये टेक न्यूज अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टेक न्यूज अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।